तो दोस्तों सबसे पहले हमें कर लेना अपना काइनमास्टर ओपन। ओपन हो जाने के बाद सिंपली हम प्लस पे क्लिक करना है, फिर ये बीच वाला 9.60 रेशियो सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ बैकग्राउंड लिखा और यहाँ से ये वाइट बैकग्राउंड लेके इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे बढ़ा लेना है जितना भी, एक बार में से 20 के लगभग रख लेता हूँ, मैंने 20 रख लिया। फिर टिक पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके जो फोटो हम लेने हैं जो पहले बैक में रखनी है, तो मैंने फोटो का बैकग्राउंड पहले रिमूव कर रखा है, तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये फोटो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में से सेट मैंने यहाँ से ऐसे कर ली। अब कर देने के बाद इसे फोटो इसको इतना बढ़ा देना है जितना ये है, इसके इतना बराबर रख लेना है। फिर यहाँ पर टिक पे क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर, और फिर यहाँ से जो आगे की फ़ोटो है वो यहाँ अपने यहाँ पे रख लेनी है। तो मैं इसे बढ़ा लेता हूँ फ़ोटो को, और ये मैंने यहाँ पे फ़ोटो रख ली। अब रखने के बाद इसे मैं यहाँ से इतना इसके जितना ही कर लेता हूँ। अब करने के बाद इस पर टिक पे क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ से हमने क्या करना है कि फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करके और ये हैंडराइटिंग पे क्लिक करके और क्लिक करने के बाद इस पेंसिल पे फिर से क्लिक करेंगे ना, तो हमें क्या करना है ये ब्रश वाला ना जो ये इस पर क्लिक करके और यहाँ से जो इसका कलर है यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कलर है इसका जो है ग्रीन कर लेता हूँ, ग्रीन पे टिक पे क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ से हमने यहाँ पे एक लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। कर देने के बाद सिंपली इस पर टिक पे क्लिक कर देना है, उस लाइन को भी इतना बढ़ा लेना है इसके जितना। अब बढ़ाने के बाद इसको क्या करना है, इसे हमें थोड़ा ऐसे जूम करेंगे, ऐसे और कर लेते हैं जूम करने के बाद इसे हम यहाँ से ऐसे रख लेंगे अपना, ऐसे यहाँ पे ऐसे रख लिया, यहाँ पे इसे कर देते हैं। और फिर क्या करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और कलर इसका चेंज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कलर करेंगे हमारा यहाँ पे ऑरेंज, इस पर टिक करेंगे और फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद स्टिक पर क्लिक करेंगे, फिर इसे बढ़ा लेंगे इतना, और बढ़ा देने के बाद इसे भी क्या करेंगे, इसे थोड़ा जूम करेंगे ना, ऐसे जूम ऐसे थोड़ा बढ़ाने, कभी कभी इतना प्रॉब्लम हो जाती है, ये होता नहीं है ऐसे, हम इसे यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं इतना ऐसे। तो यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे इसे रख लिया, इस पर टिक पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें एक फ़िल्टर है जो लेना है। आप हमारे नीचे जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको उस चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पे सारा कुछ आपको PNG जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, तो वो हमें ऐड करना है। तो सिंपली इस पे मीडिया पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हमने स्नैपड्यूब वीडियो में जाके और जाने के बाद हमें अपना जो इस पर फ़िल्टर जो भी हमने लगाना है वो हम यहाँ से इसे ऐड कर लेते हैं। इस पर ओके पे क्लिक करेंगे और फिर इसे कर देंगे जूम इस फोटो के हिसाब से। कर देने के बाद सिंपली हमें एक काम करना है, इस पर क्लिक करके और इसके जो वॉल्यूम है इसे कम कर लेना है, इस पर टिक पे क्लिक कर देना है, फिर इस पर क्लिक करना है इस फिल्टर पे, यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा होगा नीचे ब्लीडिंग पे करके, और हमें स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद हम इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्ले होता है जब ऐसे, देखो आप प्ले होते रहे, देखना आप ये देखो ये बीच बीच में रुक जाता है, आपके नहीं रुकेगा, मेरे यहाँ पे काइनमास्टर में थोड़ी प्रॉब्लम है, और ये काफ़ी अच्छा बन रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ये जो सॉन्ग हमने थे ऐड किया था वो हमें यहाँ से लेना है, इस पर ऑडियो पर क्लिक करेंगे और लगन सॉन्ग था हमने LP, यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे LP हमें मिलेगा लगन PQRLMNOP एल पे शायद, हाँ ये लगन लगा बैठे, इसे हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड कर देने और सिंपली हमें क्या करना है, अब अगर हमें इसे कोई टाइप करना है यहाँ पे नीचे वो सॉन्ग, तो जैसे जैसे यहाँ पे जो लिखा आएगा पहले उसे प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो ये देखो हमारा सॉन्ग इतना है, तो हमें इसके यहाँ पर ला के और इसको यहाँ पे जो फर्स्ट बैकग्राउंड है वाइट वाले से यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, ताकि हमारी वीडियो यहाँ तक ही बने। अब इसके बाद हमारा जो सॉन्ग हमें टाइप करना है, कैसे टाइप करना है, सबसे पहले इसमें बोला गया लगन तुमसे लगा बैठे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले लगन तुमसे लगा बैठे, तो इस पर क्लिक करेंगे लेयर पे, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके और हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं लगन तुमसे लगा बैठे, ओके।
और यस पे इस पर क्लिक करेंगे ताकि हम इसके फॉन्ट चेंज जो है कर सकें। डिस्प्ले पे क्लिक करके हमें जो अच्छा लगेगा वो हम यहाँ से वो इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देते हैं, और इसकी जो यहाँ से ऐसे करके और यहाँ भी इसे ऑन करके इसके साइड में थोड़ा थोड़ा ब्लैक हम कर देंगे, और यहाँ पर इसे हम नीचे रख लेंगे। और रखने के बाद इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे और पहले ये सॉन्ग प्ले होगा, हम देख लेते हैं। अब जहाँ से प्ले हुआ ऐसे हम बांध से यहाँ पे रख लेते हैं, पहले शुरू में प्ले नहीं हुआ यहाँ से देखो। तो यहाँ पे इसे थोड़ा बढ़ा लेंगे, बैठे यहाँ पे ख़त्म होता है, और इस पर क्लिक करके इसे क्या करेंगे, फर्स्ट इन एनिमेशन लिखा हुआ ना, इन एनिमेशन लिखा हुआ तो इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपली, और यहाँ पे एक नीचे आएगा लेटर बाय लेटर, और इसके यहाँ पे दो पे हम रख लेंगे तो ताकि धीरे धीरे लिखा जाए इसे। लगन तुमसे लगा बैठे, अब इसके बाद क्या बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। जो देखा जाएगा, अब हम टाइप करेंगे जो होगा देखा जाएगा, तो इसका पहले इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे और इसे एक को आगे ले आएंगे, हम इस पर दबाए रखेंगे तो ये आगे आएगा ऐसे, देखना ये थोड़ा टाइम दे रहा, थोड़ा काइन मास्टर कभी कभी ना, यहाँ पे इसे आगे ले आएंगे और इस पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा और ये वैसे हम इसे प्ले करते हैं। और सिंपली लास्ट वर्ड भी ये ऐसे शुरू वाला इस पर क्लिक करके हम इसे पे डुप्लीकेट कर लेंगे और एक को इसे यहाँ पे इस पर क्लिक करके और यहाँ से ले आएंगे आगे, और फिर यहाँ पे ऐसे देखिए अब ये बन गया हमारा लगभग, तो हम इसे प्ले करके देख लेते हैं एक बार। लगन तुमसे दोस्तों, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ऐसे डार्क सा दिखा देता है जैसे स्टेटस ख़राब हो गया हो, पर आपके फ़ोन में ये क्लियर बिल्कुल बन जाएगा साफ। मैंने जैसे जैसे कि आपको वैसे वैसे करना है, क्योंकि काइनमास्टर कभी कभी प्रॉब्लम दिखा देता है, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपने अभी हमारे यहाँ पर कुछ लोगो वगैरह लाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, सिंपली मैं अपना यहाँ पर नेम लिखूँगा, मैं यहाँ पे अपना ये वी के बलान लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरा कोई स्टेटस यूज़ करे तो मुझे पता चले भी ये मैंने बनाया था, क्यों लोग यूज़ कर लेते हैं और क्रेडिट देते नहीं है, तो हमारा लोगो होना तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है, अभी ये हमारा बना हुआ स्टेटस है। इसे रंग ऐसे कर लेते हैं, उसको हम रख लेंगे लगभग यहाँ पे रख के इसे थोड़ा बढ़ा देंगे, बढ़ाने के बाद इस पर क्लिक करके इसे कर लेंगे डुप्लीकेट, और जो ये डुप्लीकेट हुआ इसका कर देंगे हम यहाँ पर जाके कलर चेंज, इसका कर देंगे इस पर क्लिक करके नीला, इस पर टिक कर देंगे, टिक पे करी प्ले, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो ओवर ले है इस पर कर देंगे ब्लिंक नाउ ताकि ये अच्छा लगे। लगन तुम, तो दोस्तों हमारा स्टेटस बन के जो रेडी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं आप, और आप कमेंट करके बताएं आपको क्या नहीं मिला, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी जो बायो डिस्क्रिप्शन जो भी यहाँ पर जाके आपको सारे कुछ वहाँ पर मिल जाएगा आपको जो भी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।